अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे। फिफ्थ, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देन प्रूव दैट f इज ए कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है हमको। तो यहां पर सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ और एक्स वाई, ये है। तो हमको कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे एफ जीरो इज इक्वल टू हम सपोज k करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो देन अब हम क्या रख सकते हैं, जहाँ पर भी y है जीरो रखेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, तो y इज इक्वल टू क्या रखेंगे, हम जीरो रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स वाई की प्लेस में जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वाई की प्लेस में जीरो हो जाएगा, x इंटू जीरो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जीरो, एफ ऑफ जीरो हो गया, एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये जीरो। तो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ इज इक्वल टू क्या सपोज करे थे हम, एफ जीरो इज इक्वल टू यहाँ पर k सपोज करें हम ऑलरेडी, तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया, दोनों को सॉल्व करने पर भी हमको k आ गया, तो इसलिए f इज क्या हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।